आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में। ये वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट टू है। इससे पहले मैंने पार्ट वन वीडियो आपको दिया था, अगर वो पार्ट वन आपने नहीं देखे तो आप जीशान मॉनिटर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट कोर्स है, पार्ट वन मैंने पहले ही बना दिया है। इसमें मैंने बताया कि वेबसाइट के लिए क्या ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, वेबसाइट के लिए डोमेन ज़रूरी है और होस्टिंग ज़रूरी है। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है। वेबसाइट के जितने भी पार्ट आएंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, वो सारे आपको प्लेलिस्ट के वर्डप्रेस वेबसाइट कोर्स में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पार्ट वन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पार्ट वन को देख सकते हैं। और डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, वो आप समझ सकते हैं क्यों ज़रूरी होता है डोमेन होस्टिंग। ये सारी चीज़ हम आपको पार्ट वन में बता चुके हैं। तो आज के इस पार्ट टू में हम आपको बताएंगे डोमेन कैसे लें, कहाँ से लें और होस्टिंग कहाँ से लें। होस्टिंग के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको होस्टिंग के लिए कहीं भी एक वीडियो पे चार्ज नहीं देना होता, सिर्फ आपको जो डोमेन होता है डोमेन के लिए आपको चार्ज देना होगा। होस्टिंग के लिए आपको कहीं भी चार्ज नहीं देना होगा, अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन के लिए मैंने बहुत सारे वेबसाइट को खंगाला, जैसे कि गोडैडी को खंगाला, होस्टिंगर राजा को खंगाला और होस्टिंगर को खंगाला और रीसेलर क्लब को खंगाला, इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट को मैंने खंगाला। तो उसमें सबसे अच्छा बेस्ट जो मिला वो गोडैडी मिला, जो कि बहुत कम प्राइस में, लो प्राइस में आपको एक डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कर देती है। तो मुझे इस वेबसाइट से सिर्फ डोमेन ही लेना है। जो भी डोमेन लेना चाहिए, यानी कि जो भी अपनी वेबसाइट के एड्रेस लेना चाहे आप ले सकते। जैसे कि कोई भी बंदा मेरे वेबसाइट पर आने के लिए jishanmonitor.in डालेगा, तो मैं यहाँ पर इस नेम से एक डोमेन ले लेता हूँ, jishanmonitor दिए और सर्च डोमेन पर क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए jishanmonitor.com भी अवेलेबल, .com.in भी अवेलेबल है। तो जो भी अवेलेबल रहेंगे वो यहाँ पे शो कर, जैसे कि jishanmonitor.com भी अवेलेबल, .in भी अवेलेबल है और नीचे भी यहाँ पे बहुत सारे .in, .com, .org, .xyz, .net, जो भी आप लेना चाहें। तो उसकी प्राइस मंथली प्राइस यहाँ पे दिखने को मिलेगी। ये जो प्राइस है ये मंथली है, कम से कम आपको एक साल या दो साल का लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि jishanmonitor.in मुझे लेना है, कोई भी बंदा jishanmonitor.in डाले तो वो हमारी वेबसाइट पर आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे, jishanmonitor.in चाहिए मुझे टू ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, जितने भी रखना चाहे रख सकते हैं। फिलहाल मैं दो साल का रखूँगा। उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी लेना चाहते हैं, यानी कि आपका नाम, उसके बाद एड्रेस, आपकी वेबसाइट का नाम, तो ये अगर लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 29 रुपीज़ मंथली पेमेंट करना होगा। तो इस वे हम नहीं लेंगे, तो उसके लिए प्रोफेशनल ईमेल पे क्लिक करेंगे और नो थैंक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ड्यूरेशन दो साल में 748 रुपये मुझे पेमेंट करना होगा। उसके बाद कोई चार्ज यहाँ पर पेमेंट नहीं करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे। गोडैडी का लिंक भी हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डायरेक्ट आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद आपको गोडैडी पे अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पे क्लिक करके वो अकाउंट को लॉगिन करेंगे, या आप डायरेक्ट फेसबुक या गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, या आप यहां से अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए ईमेल आईडी डालेंगे, एक यूजर नेम रखेंगे और नया पासवर्ड रखेंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा अकाउंट इस पर गोडैडी पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से साइन इन पर क्लिक करके उस अकाउंट को लॉगिन करूँगा। अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, अकाउंट लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, जो भी मेरा यूज़र नेम जो ने मैंने बनाया था वो डालेंगे, या कस्टमर आईडी दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड देंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पूछेगा, पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो यहाँ पर एक मेथड को सेव करेंगे, यहाँ मैं नेट बैंकिंग को सेव करता हूँ, नेट बैंकिंग। उसके बाद सेव पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर ड्यूरेशन देख सकते हैं, चार्ज देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप cPanel लेना चाहें होस्टिंग तो ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 587 रुपये पर मंथ देना होगा। तो इसे हम अभी नहीं लेंगे, अभी सिर्फ हम सिर्फ डोमेन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना चार्ज है और कितना आपको टैक्स लग रहा है और टोटल कितना आपको पेमेंट करना, वो आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑटो रिन्यूअल है,
और मतलब 2 साल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटो रेनवल हो जाएगा, जो कि हमारे जो भी अकाउंट से भी पेमेंट करेंगे वो अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो हमें भी ऑटो रेनवल नहीं करेंगे, इसको अनटिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंप्लीट परचेज पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं लॉगिन होने। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस वगैरह ऊपर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ फिर से पेमेंट के लिए बोलेगा, आप पेमेंट किस तक करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, वॉलेट, यूपीआई, जिससे भी करना चाहे। तो चलिए अभी हम पेमेंट क्यों यूपीआई से करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे बाई क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, अब मेरे सामने एक क्यूआर कोड आ चुका। मैं अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते। चलिए मैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे इसको स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ। हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है, जो कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं लोडिंग हो चुका। हमारा पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब पेमेंट रिसिप्ट हमारे ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है और यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है। अब यहाँ पे गो टू माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट पे ले जाएंगे। हमारे पास पहले से एक डोमेन था, अब मैंने अभी जो न्यू परचेज किया jisanmonitor.in, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी डोमेन हमारा परचेज हो चुका है। चलिए अब होस्टिंग परचेज करेंगे, डोमेन ले लिए। चलिए आप होस्टिंग लेंगे। होस्टिंग लेने के लिए आपको जाना होगा freehosting.com पे। freehosting.com की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग भी क्लिक करेंगे और फ्री होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्री होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, आपको फ्री होस्टिंग लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास आप डोमेन भी लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते, आपके पास ऑलरेडी डोमेन, जो कि मैंने अभी गोडैडी से परचेज किया, तो यहाँ पर हम आई विल यूज माई डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना डोमेन देंगे, मेरा डोमेन है jisanmonitor और यहाँ पे डॉट jisanmonitor.in, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे यूज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। 10 GB स्पेस मिलेगा, अनलिमिटेड होस्टिंग, 1 Gmail अकाउंट, और यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलने वाले ऑप्शन सुविधा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेमेंट कितना करना होगा, $0, यानी कि 1 रुपया आपको पेमेंट नहीं करना होगा। उसके लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका डोमेन भी यहाँ पे दिखा रहा है और आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद अपना वेबसाइट का नाम, पूरा एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एक पासवर्ड रखेंगे, जो भी उसी पासवर्ड कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड में आपको नन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आई हैव रीड एग्रीमेंट, एग्री जो होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका, आपका ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे मिल चुका है। अब हम ईमेल खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्री होस्टिंगर की ओर से हमें मेल आ चुका है। यहाँ पे आपको मिलेगा मेल एड्रेस वेरीफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई योर मे ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, वेरीफाइड हो चुका है, क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सर्विसेज देख सकते हैं, 0 इस पर क्लिक करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारा फ्री होस्टिंगर अभी पेंडिंग है। 5 मिनट तक वेट कर लेते हैं, 5 मिनट में ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब हम अपना ईमेल आईडी पे जाएंगे, यहाँ पे एक और ईमेल आ चुका है, फ्री होस्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और इस पर देख सकते हैं हमारे अकाउंट की डिटेल है, एक cPanel का लिंक है और यूजर नेम पासवर्ड भी है, और यहाँ पे नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2 है। तो सबसे पहले नेम सर्वर 1 को कॉपी करेंगे। उसका जो भी आपका डोमेन है, डोमेन देख सकते, मेरा डोमेन ये है। इस डोमेन के सामने जो DNS है, इस DNS बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस DNS बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नेम सर्वर को चेंज करेंगे। उसके लिए चेंज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेम सर्वर को चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर माय ऑन सर्वर नेम एडवांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्वर नेम 1, सर्वर नेम 2 देंगे। तो यहाँ से ईमेल पे जो हमें मिला सर्वर नेम 1 को कॉपी करेंगे और सर्वर नेम 1 में पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आप सर्वर नेम 2 को भी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे
तो अगर आपको एक से दो से ज़्यादा सर्वर नेम मिल रहा है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उस सभी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पर कि ये नेम सर्वर चेंज हो चुका है। फ्री होस्टिंगर का नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2 है जो कि चेंज 5 मिनट के अंदर हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल पे एक यूआरएल मिला होगा, आईडी पासवर्ड मिला होगा। इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, सीपैनल को लॉगिन करेंगे, अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से अपने इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे देख सकते हैं आपको माई एसक्यूएल मैनेजमेंट भी आपको मिल जाता है, ईमेल मैनेजर भी मिल जाता है, साथ साथ आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर भी मिल जाता है, और जो कि पीएचपी माय एडमिन है, जो भी आपको पेड होस्टिंग मिलता है वह सारी चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे वर्ड प्रेस भी मिल जाते हैं, सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे, वर्ड प्रेस पे क्लिक करेंगे, वर्ड प्रेस को पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड प्रेस है और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डोमेन आपका, यहाँ पे आपका अकाउंट, यहाँ पे आप वर्ड प्रेस को लॉगिन करेंगे, जो भी यूजर नेम रखना चाहिए वो रख सकते हैं, जो भी पासवर्ड रखना चाहिए वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपका एडमिन ईमेल आईडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, जो भी थीम लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यही थीम को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर डेमो भी देख सकते किस तरह ये दिखाएगा जब आपकी वेबसाइट पर ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते इस तरह दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कोई थीम्स चाहिए तो यहाँ पे शो ऑल थीम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी थीम्स होंगे जो कि आपको फ्री में दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अपने इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये डॉक्टर वाला जो डेंटल केयर ये वाली वेबसाइट अच्छी लग रही दिखने में, फिलहाल के लिए मैं इसको अभी अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट थीम्स पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं 95% ये इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। इंस्टॉल हो जाने के बाद कंग्रेचुलेशन दे देगा, यहाँ पे आपकी वेबसाइट की यूआरएल और यहाँ पे वर्डप्रेस लॉगिन का आपको दे दिया जाता है लिंक। इस पर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस जो लॉगिन होगा वहाँ से आप लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका वेबसाइट जो भी वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई भी अंतर पेड वाले होस्टिंग या फ्री वाले होस्टिंग में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, सारा चीज़ यहाँ पे आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने डोमेन के साथ /wp-admin जब डालेंगे तब भी ये आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा तभी ये खुलेगा, ठीक है। वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड जो इंस्टॉल करते वक्त आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया था वही रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है, उसके बाद जनरल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो भी टाइटल है आपकी वेबसाइट का, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल देंगे। उसके बाद जो भी टैगलाइन देना चाहे आप दे सकते हैं, टैगलाइन से ये होगा कि आपकी वेबसाइट रैंक अच्छा करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इंडिया को UTC+5:30 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सा सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको परमा लिंक्स पे यहाँ पे देख सकते हो, परमा लिंक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे ताकि आप जो पोस्ट करेंगे उसका URL पोस्ट नेम से बने। उसके बाद आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक थीम्स इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे, जिसके लिए अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको दिखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप सर्च भी करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें से आपको थीम्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको थीम्स मिलेंगी वो सारे थीम्स आप देख सकते हैं, जो कि सब के सब बिल्कुल फ्री है। इसी थीम्स के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप पॉपुलर भी देख सकते हैं, लेटेस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट कितनी वेबसाइट है, पॉपुलर कितनी है, वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी थीम्स आपको अच्छा लगे अपनी वेबसाइट के लिए उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर न्यूज़ के लिए बना रहे तो ये देखिए न्यूज़ आप न्यूज़ की जैसा ही वेबसाइट है जो कि आप देख पा रहे, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी न्यूज़ के लिए जिस तरह का आपका वेबसाइट का टॉपिक है उस तरह का आप यहाँ से थीम्स को अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिल्टर पे क्लिक करके आपको किस प्रकार का आपका वेबसाइट का सब्जेक्ट क्या उसके हिसाब से आप यहाँ से आप थीम्स को
सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स है या ब्लॉग है या एडुकेशन है, इस तरह का जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिल अप्लाई फिल्टर क्लिक करेंगे। अब जो भी मैंने तीन कैटेगरी सेलेक्ट किया, अभी इन तीन कैटेगरी से भी जो भी जो थीम्स है वो सारी थीम्स हमें यहाँ पे शो कर देंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडुकेशन बेस की एक वेबसाइट की थीम्स है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारी थीम्स हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है एक्टिवेट करने के लिए, और लाइव प्रीव्यू के लिए बोल रहा है, तो मुझे एक्टिवेट कर देना है। जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा ये थीम्स हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे वेबसाइट का टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे, विजिट साइट है, विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डोमेन से ओपन करेंगे।